स्टूडेंट वेलकम टू आर सी यजू हब ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 25 एक्सरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हेमोडायलिसिस रक्त अपोहन। रक्त अपोहन जो होता है या हेमोडायलिसिस जो होता है ये एक प्रकार से जब किसी व्यक्ति का वृक्क जो होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, वृक्क या किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं। तब बाहर से कृत्रिम रूप से कृत्रिम वृक्क की सहायता से रुधिर को फिल्टर किया जाता है। यह युक्ति होती है जो कि एक उपकरण होता है बाहर से जो कि किसका काम करता है, कृत्रिम वृक्क का, वृक्क का कार्य करता है जिसके माध्यम से ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है और नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं ब्लड में उनको अलग किया जाता है। तो ऐसे रोगी व्यक्ति जिनमें वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं उनके अंदर रक्त अपोहन की सहायता से उनके जीवन काल को कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, कुछ उनको जीवन वृद्धि की जा सकती है, कुछ राहत उनको प्रदान की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो वृक्क होता है कृत्रिम वृक्क इसके अंदर जैसे बोमेन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस निस्यंद किसके द्वारा होता है, बोमेन संपुट के अंदर उपस्थित ग्लोमेरुलस या किसी का गुच्छ के द्वारा रुधिर जो होता है वो छनता है वहाँ पर। तो इसी प्रकार की एक युक्ति तैयार करते हैं जिसके अंदर नलिकाएं होती हैं सेम जैसे केशिकाओं का वहाँ पर जाल पाया जाता है। तो इस कृत्रिम जो उपकरण रहेगा इसके अंदर नलिकाएं होती हैं जिसके ऊपर आवरण सेलोफोन का आवरण रहता है। इस कृत्रिम वृक्क में सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है तो व्यक्ति की धमनी होती है उससे ब्लड जो होता है उस ब्लड को बाहर निकाला जाता है। ब्लड को बाहर निकालने के बाद में इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं। इसके अंदर प्रतिस्कंदन कारक ये मिलाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ब्लड जो है ये जम सकता है, खराब हो सकता है, जम सकता है। जमने से रोकने के लिए इसमें प्रतिस्कंदक कारक मिलाते हैं जो हमने पढ़ा है पहले, जैसे हिपेरिन इसके अंदर मिला दिया जाता है। फिर इस ब्लड को कृत्रिम युक्ति जो होती है या वृक्क के रूप में हम जो काम में ले रहे हैं उसके अंदर इसको डाला जाता है और इस युक्ति के अंदर विभिन्न नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में छिद्रों के माध्यम से इसके द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ इसमें से छन कर अलग हो जाते हैं। छनकर जो अलग हुआ जो पदार्थ है वो अपोहन कहलाता है। जैसे यहां पर ये नलिकाएं लगाई हुई हैं, इधर से ब्लड डाला गया और यहां से इसमें से पदार्थ जो हैं नाइट्रोजन पदार्थ हैं वो छनकर यहां पर आ जाते हैं। इस द्रव को जो छना हुआ है इसको अपोहनी द्रव कहा जाता है। बचा हुआ जो ब्लड है इसको वापस जिसमें से नाइट्रोजनी पदार्थ जो है वो इसमें से छनकर बाहर आ जाते हैं उनको वापस उस ब्लड को
गर्म किया जाता है, टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है शरीर का उसके समान उसका टेम्परेचर किया जाता है। और एंटी हिपेरिन उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें पहले हमने हिपेरिन मिलाया था तो अब उस हिपेरिन की जो एक्टिवता है, एक्टिवनेस जो है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए या उसको निष्क्रिय करने के लिए इसमें एंटी हिपेरिन मिला दिया जाता है। और यहाँ से इसको व्यक्ति की सिरा जो होती है उसमें प्रवेश करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस युक्ति के द्वारा जो इसमें नाइट्रोजनी जो पदार्थ पाए गए थे उनको कृत्रिम रूप से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये रक्त अपोहन कहलाता है। ये जो हेमोडायलिसिस जो होता है ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जिसमें बहुत ही साधारण तरीके से नाइट्रोजनी पदार्थों को अलग करके जो व्यक्ति होता है उसके जीवन काल को लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है और उसको जीवन जीने का एक मौका इसके द्वारा मिल जाता है। लेकिन इसमें बार बार इसको ये प्रोसेस से जो है उससे गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, यदि वृक्क जो हैं ये बिल्कुल कार्य करना बंद या ख़राब हो जाए, वृक्क जो हैं वो बिल्कुल यदि ख़राब हो जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करें, तो उसके लिए आता है वृक्क प्रत्यारोपण। तो हमारा टॉपिक है अब वृक्क प्रत्यारोपण। किडनी ट्रांसफर, किडनी ट्रांसप्लांट, वृक्क प्रत्यारोपण। देखें वृक्क कोई व्यक्ति है जिसके वृक्क पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं, उस स्थिति के अंदर जो व्यक्ति है इसमें वृक्क स्थानांतरित किया जाता है दूसरे व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति से इसके अंदर वृक्क ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति जो है ये रोगी है जो कि ग्रहण करता है दूसरे व्यक्ति से वृक्क को लेगा, इस वजह से इसको बोलेंगे ग्राही। दूसरा व्यक्ति जो कि वृक्क देता है उसको वृक्क दाता, वृक्क ग्राही और वृक्क दाता। वृक्क दाता जो होता है यह है ग्राही से, वृक्क ग्राही का नज़दीकी होना चाहिए, बहुत ही नज़दीकी होना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ब्लड और उत्तक संरचना, उत्तकों की जो संरचना होती है वो लगभग समान होती है। इस वजह से नज़दीकी व्यक्ति का वृक्क यदि इसको दिया जाएगा तो ग्राही व्यक्ति का नर्व सिस्टम जो पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है वो इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और ये उसमें अच्छे से काम करता है। लेकिन यदि ये दाता व्यक्ति जो है वो इसका नज़दीकी नहीं है, अदर पर्सन है, इसलिए इसका वृक्क जो है वो ग्राही के अंदर तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का जो ब्लड है और उत्तक संरचना है वो डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। इस वजह से इसका तंत्रिका तंत्र दूसरे या दाता व्यक्ति के वृक्क को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस स्थिति के अंदर वृक्क ग्राही जो व्यक्ति है उसके तंत्रिका तंत्र को विभिन्न औषधियों के माध्यम से निष्क्रिय किया जाता है। निष्क्रिय करने के बाद में
इस दूसरे व्यक्ति से या वृक्कदाता जो होता है उसे वृक्क को इसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद ये तंत्रिका तंत्र उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से जो वृक्क प्रत्यारोपण की जो क्रियाविधि है जिसके अंदर दूसरे व्यक्ति से वृक्क को दाता व्यक्ति के द्वारा ग्राही के अंदर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।